कोविड-19 इस महामारी में डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी इन सब का बड़ा योगदान रहा है। वैसा ही महत्वपूर्ण योगदान शिक्षकों का भी है। शिक्षक का बिना शर्त प्यार। पूरी कोविड-19 की स्थिति कई शिक्षकों के लिए एक और चुनौती है। न ही एक साड़ी का आह्वान है, ना ही मातृत्व का। शिक्षकों को रातों रात एक डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से जाने का आह्वान किया गया। शिक्षकों ने कहा, चुनौती स्वीकार है। वे एक साधारण मुस्कान के पीछे प्रौद्योगिकी के अपने डर को छुपाते हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा खतरे में है। शिक्षक का इस भाव को देखकर मेरी प्रशंसा बढ़ गई। शिक्षकों ने अपने घरों को सार्वजनिक रूप से दिखाने का आह्वान दिया गया। शिक्षक ने कहा, आह्वान स्वीकार है। शिक्षकों ने अपने प्रतिबंधों को अवरुद्ध कर दिया, उनकी गोपनीयता को बच्चों की शिक्षा के खातिर छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों की शिक्षा खतरे में है। ये सुनकर शिक्षकों के प्रति मेरी प्रशंसा बढ़ गई। आज की शिक्षा की मांग पर सीमित बिना संसाधनों का उपयोग किया जाए। शिक्षकों ने कहा, यह आह्वान भी स्वीकार है। उन्होंने बिना संसाधनों के शिक्षण की योजना बनाने के लिए अपना ज़्यादा समय भी दिया, क्योंकि बच्चों की शिक्षा खतरे में है। मेरा दिल शिक्षकों की प्रशंसा से भर गया। उन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका, पर चुनौती दे दी गई। शिक्षक ने कहा, यह भी हमें स्वीकार है। वे अपने परिवार के बारे में चिंता करने लगा, हालांकि उसके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। मैं इन शिक्षकों के इस स्थिति में शिक्षा के विचारों की तारीफ कर सकती हूँ। उनके इस कार्य को मेरा सलाम। आज की शिक्षा की ये मांग है कि किसी 30 बच्चों के माता पिता हर कदम के शिक्षक की आवाज़ के मॉड्यूलेशन, उच्चारण, व्याकरण, ज्ञान, प्रेम का अवलोकन कर रहे हैं, जबकि सीमित संसाधनों के साथ शिक्षक द्वारा न्याय करने की आवश्यकता की गई। शिक्षक ने कहा, यह भी हमें स्वीकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों की पढ़ाई एक समझौता है। मैं चकित हूँ। मैं शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ। इन कठिन परिस्थिति में शिक्षक रूपी सैनिकों के लिए मेरी प्रशंसा और सम्मान शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं दुनिया भर के उन सभी गुरुओं का अभिवादन करना चाहती हूँ जो उन चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं, जो शिक्षा उन पर टिकी है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा खतरे में है और वे इसकी देखभाल कर रहे हैं। सचमुच हम सभी शिक्षकों के आभारी हैं।